ओके, वी नो दैट पीएच ऑफ वाटर इज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये पीएच जो है टेम्परेचर के साथ, विल देयर बी एनी चेंज इन दिस पीएच? सो वी नो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट, उनकी वाइब्रेशन, दैट विल इंक्रीज. बिकॉज ऑफ दैट इट विल बिकम ईजियर टू ब्रेक द बॉन्ड, और इट विल बी ईजियर फॉर वाटर टू डू सेल्फ आयोनाइजेशन. तो वाटर का जो सेल्फ आयोनाइजेशन है 10^-7 मोल्स पर लीटर, सो वो जो सेल्फ आयोनाइजेशन है दैट विल इंक्रीज. बट अभी भी जितने एच प्लस आयन्स फॉर्म होंगे उतने ही ओ एच माइनस आयन्स फॉर्म होंगे. ओनली थिंग इज एच प्लस आयन्स आर फॉर्मिंग मोर नाउ एट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो जो आपका जो पी एच है एट 25 डिग्री, दैट इज 7. एट 0 डिग्री द पी एच विल बी, जो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग है दैट विल बी लेस एंड दस पी एच विल बी मोर. एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट वेरी हाई है, तो वहाँ पर जो है जो आयनाइजेशन है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा एच प्लस आयन्स फॉर्म होंगे, तो पी एच जो है वो आपका लेस होगा. तो यहाँ पर 100 डिग्री पर पी एच ऑफ वाटर इज 6.14. नाउ दिस 6.14 इज इंडिकेटिंग द न्यू पी एच फॉर न्यूट्रल वाटर, क्योंकि यहाँ पर एच प्लस और ओ एच माइनस दे आर एग्जैक्टली इन सेम नंबर. सो हियर वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो जो सॉल्यूशन का पीएच है वो डिक्रीज करेगा. ठीक है, और अगर आपका जो है टेम्परेचर डिक्रीज करेगा है ना एट 0 डिग्री, देन द पीएच विल इंक्रीज. एंड दिस लाइन इज डिनोटिंग द न्यूट्रल वैल्यू. तो अगर वाटर आपको चेक करना है 25 डिग्री सेल्सियस पर व्हेन इट इज न्यूट्रल, सो यू विल से पीएच एट 7 इट इज न्यूट्रल. एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस यू विल से एट पीएच 1.4 द वाटर इज न्यूट्रल. सो एट 100 डिग्री पीएच 6.4 डज नॉट मीन इट इज एसिडिक, वाटर इज स्टिल न्यूट्रल. राइट, ओनली थिंग इज इट इज डूइंग मोर ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन. और यहाँ पर अगर आप उसमें कुछ बेस डालते हैं देन द पीएच विल इंक्रीज, विल बिकम 6.5 एंड वाटर विल बी बेसिक. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन आस्क व्हाट इज पीएच ऑफ वाटर, तो यू से पीएच ऑफ वाटर इज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस. इफ यू विल नॉट मेंशन द टेम्परेचर योर आंसर विल बी इनकम्प्लीट. So I hope your concept related to change in pH with change in temperature is crystal clear. We'll see you in next video. Till then, bye bye.